डिसॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का नाम दूसरा बताया गया ब्लू विट्रोल और नीला थोथा। याद रखना इस चीज़ को, ब्लू विट्रोल एंड नीला थोथा, ब्लू विट्रोल एंड नीला थोथा। अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास। हमने एक चम्मच कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और उसको किस में डाला है, आधा कप पानी है उसके अंदर हमने डिसॉल्व किया है। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके अंदर हमने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, आपको क्या मिलेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब और ए स्मॉल ग्लास बॉटल, आप उस जो थोड़ा सा सैंपल उसका क्या करोगे, सेव करोगे बॉटल के अंदर। ड्रॉप ए नेल और यूज और ए यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और आप जो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या यूज़ करोगे, ब्लेड का यूज़ करोगे या नेल, कील होती है जो लोहे की। वेट फॉर हाफ एन आवर, और आप आधे घंटे के लिए रुकोगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर जो नीचे फिगर भी दिखाई गई है इससे हम क्लियर कर लेते हैं, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इसने बोला कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने आयरन सल्फेट डाल दिया है, और आयरन सल्फेट के साथ साथ कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया है, देखो यहाँ बताया भी गया था कि कॉपर सल्फेट के अंदर हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अंदर कोई भी नेल या ब्लेड डाल दी है। जैसे ही नेल या ब्लेड डालेंगे तो हमारे पास कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर रिएक्शन भी लिख दी गई है कि कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का, आयरन होता है ब्राउन कलर का, तो आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा जो एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना हुआ है ये, और हमारे पास कौन सी आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का, और कॉपर हमारे पास अलग से सेपरेट आउट हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो 6.8 एक्टिविटी में क्या कह रखा है, टेक अबाउट ए टीस्पूनफुल ऑफ विनेगर इन ए टेस्ट ट्यूब। कोई जो विनेगर होता है हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला, ऐड ए पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, और फिर उसके अंदर हमने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। विनेगर भी घर में मिल जाता है और बेकिंग सोडा भी। यू वुड हियर ए हिसिंग साउंड, आपको एक हिसिंग साउंड से प्रोड्यूस आवाज़ आएगी अलग से, हिसिंग। सी बबल्स ऑफ ए गैस कमिंग आउट, और आपको बबल्स निकलते दिखाई देंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर, जो फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर होता है उससे हम पास करेंगे। व्हाट हैपन्स टू द लाइम वाटर, लाइम वाटर में क्या होगा। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज, विनेगर है, विनेगर के अंदर बेकिंग सोडा डाला, बेकिंग सोडा क्या होगा, जैसे ही ये डाला हमने तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और दूसरे अदर सब्सटेंसेस भी निकलने शुरू हो जाएंगे। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लाइम वाटर इज, देखो क्या बोला है, यहाँ से हम क्लियर करेंगे जो ये 6.5 फिगर है, इम्पोर्टेंट भी है, और इसको ध्यान से देखो। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर विनेगर डाल दिया है और बेकिंग सोडा डाला है, क्लियर है ये सबको। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली हमने साथ के अंदर, उस टेस्ट ट्यूब में हमने यहाँ पर एक अलग से यू शेप की हमने एक अलग से ट्यूब ली है ग्लास की, और उसको हमने दोनों इन ट्यूब्स के टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल दिया है, और ये कॉर्क लगा रखा हमने, क्लियर है सबको इतना। जैसे ही विनेगर प्लस सोडा डाला हमने, और ये जो लाइम वाटर है दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लेंगे, ये लाइम वाटर हमने फ्रेशली प्रिपेयर कर लिया है, क्लियर है। जैसे ही विनेगर और बेकिंग सोडा को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, और ये लाइम वाटर के साथ जाकर रिएक्शन करेगी, जैसे दिखा रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर रिएक्शन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की प्लस वाटर, क्या बन जाएगा लास्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो क्लियर होना चाहिए, 6.5 फिगर इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, एंड विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की, और जो ये क्या बनाता है, लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। अब देखो आगे,
नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सबस्टांस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए केमिकल चेंज, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा नए सबस्टांस बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, केमिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी लाइफ के अंदर। All new substances are formed as a result of chemical changes. जो नए substances होते हैं वो सभी, जो भी नए substances होते हैं वो सभी chemical changes की वजह से ही form होते हैं। For example, digestion of food in our body. हमारी body के अंदर digestion होता है वो भी किसकी वजह से होता है, केमिकल चेंजेस की वजह से। फ्रूट्स पकते हैं वो भी किसकी वजह से, केमिकल चेंजेस। फर्मेंटेशन होते हैं ग्रेप्स में वो भी केमिकल चेंज। हैपन्स ड्यू टू द सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ए मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए चेंज ऑफ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेडिसिन है वो क्या है, एक चेन है केमिकल रिएक्शंस की। यूजफुल न्यू मटीरियल सच एज द प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शंस। जो नए मटीरियल्स हैं जैसे प्लास्टिक्स है, डिटर्जेंट्स हैं, ये सभी किससे प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल रिएक्शन से। We have seen that one or more new substances are produced in a chemical change. हम देखते हैं कि एक या एक से ज़्यादा नए chemical changes produce होते हैं। In addition to new products, the following may accompany a chemical change. Number first, heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. हम कुछ भी दे सकते हैं, heat भी दे सकते हैं, light भी दे सकते हैं change के लिए। Sound may be produced, sound भी हो सकते हैं। ए चेंज इन स्मेल, स्मेल में भी चेंज हो सकता है। ए कलर चेंज में टेक प्लेस, ए गैस में भी परफॉर्म, ये सारे चेंजेस होंगे केमिकल चेंजेस में। एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। जो एक्सप्लोजन है फायरवर्क का वो भी क्या है हमारे पास, एक केमिकल चेंज है। You know that such an explosion produces heat, heat produce होगी, explosion होगा जहाँ, light produce होगी, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are advised not to play with fireworks. इसी वजह से हम fireworks के साथ नहीं खेल सकते हैं। When food gets spoiled, जब खाना क्या हो जाता है, जल ख़राब हो जाता है, it produces a foul smell. वहाँ से हमें गंदी smell निकलती है। Shall we call this change a chemical change? क्या हम उस change को chemical change बोलेंगे? Yes. You must have noticed that a slice of an apple acquires a brown color if it is not consumed immediately. अगर apple को हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं काटने के बाद, तो उसके ऊपर हम देखते हैं brown color आ जाता है, वो भी कैसा change है, एक chemical change है। ऐसे ही potato के साथ, brinjal के साथ भी ऐसा ही होता है। और चैप्टर फिफ्थ के अंदर हमने एक टर्म पढ़ी थी, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है,